हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान, द हिंदू के डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रितपाल सिंह। अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थॉट ऑफ द डे से आज हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द थॉट? इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। इसका मतलब कि कभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आप कभी समझते हैं कि आपको कुछ नई चीज शुरू करनी चाहिए, कुछ शुरुआत करनी चाहिए, तो आप बस इतना जान लीजिए कि जब जागो तभी सवेरा। जब आप सोच ले कि मैंने ये चीज करनी है, तभी से आप अगर एक चीज ठान ले अपने माइंड में, तो आप शुरू करें, देर कभी भी नहीं हुई है। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स। अपनी फर्स्ट लेक्चर में काफी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू टूडेज न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर कुछ इस तरह दिख रहा है। हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये कुछ स्पीच दी है अपने रिपब्लिक डे की। जो वो स्पीच देते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। देन अडानी शेयर्स की एक न्यूज़ आई है। देन यूएस और जर्मनी ने कुछ टैंक्स प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को, उसकी न्यूज़ है। सो ये आज का फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन टूडेज न्यूज़पेपर। फर्स्ट वन इज सेंसरशिप, इंडिया इजिप्ट रिलेशन, डॉलर के ऊपर एक आर्टिकल आया था, देन एससीओ के ऊपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे टॉपिक्स दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू योर मेंस एंड प्रीलिम्स, एंड डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स एंड मेंस में। सो ये नॉलेज तो आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे ही, जो आज आप आज के लेक्चर में लेकर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंसरशिप। सो इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप, ये एक आज एडिटोरियल आया है। I would recommend you all to read this editorial. It is very, very interesting and intriguing one. Censorship के बारे में हम जान लेते हैं। First of all, let us know what is censorship. Censorship है क्या? As आपके सामने लिखा हुआ है, it is regulation and suppression of speech and writing. मतलब किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ लिखा है, उसको अगर हम regulate करें या suppress करें या दबाएं, उसको हम ban कर दें, that is censorship. And क्यों करेंगे? If that thing is detrimental to public good, मतलब लोगों के वेलफेयर की के लिए अगर वो चीज detrimental है, लोगों को उससे कोई नुकसान हो रहा है, so censorship की जाएगी उस चीज की। This is the real meaning of censorship. मतलब अगर actually कोई layman आपसे पूछे, तो आप ये meaning बता सकते हैं। Also इसमें review of media content भी होता है। That is media का जो content है, उसको review भी किया जाता है। And कुछ ऐसी चीजें जो पोर्नोग्राफिक हो या पॉलिटिकली ऑफेंसिव हो या उससे सिक्योरिटी को थ्रेट हो, दैट कैन आल्सो बी सेंसर्ड। एंड सेंसर का मतलब मैंने आपको बताया, रेगुलेशन एंड सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड राइटिंग व्हिच इज परसीव टू बी डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक गुड, सो दैट इज सेंसरशिप। अब व्हाट आर सम मेजर कॉजेज ऑफ सेंसरशिप, ये मैंने लिखे हैं, इनको वन बाय वन वील डिस्कस। फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो आज पावर में है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी गवर्नमेंट में, अगर उसके अगेंस्ट कोई कुछ लिखता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट। तो वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी सेंसरशिप हो सकती है, दैट इज वन ऑफ द कॉज। सेकेंड इज सोशल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई राइटिंग पब्लिश होती है या कोई मूवी आती है, विच इज सोशली वेरी नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। सोशली उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, चिल्ड्रन पे, लोगों पे, एडल्ट पॉपुलेशन पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा, दैट इज रेगुलेट किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। सो सोशल रीजंस हो सकते हैं कि सोसाइटी में वो चीज अच्छी ना बैठ रही हो, फिट ना बैठ रही हो। वन इज मॉरल रीजंस। फॉर एग्जांपल, कोई चीज, कोई मूवी अगर मॉरली रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा मोरालिटी को डैमेज कर रही है लोगों की, मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय अ पीस ऑफ राइटिंग, बाय अ पीस ऑफ स्पीच, बाय अ बुक, बाय अ मूवी और एनी अदर मीडिया। अगर मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, देन दैट थिंग कैन बी सेंसर्ड। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज वन ऑफ द कॉज। वन इज रिलीजियस रीजंस। फॉर एग्जांपल, किसी रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्प्रेड हो रही है, अगर एनिमोसिटी स्प्रेड हो रही है, या फिर कुछ लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं किसी राइटिंग की वजह से, किसी स्पीच की वजह से, सो दैट कैन बी सेंसर्ड। सो रिलीजियस रीजंस कैन ऑल्सो बी देयर। वन इज सिक्योरिटी रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेंस, हमारी डिफेंस को डिफेम कर दिया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफेम कर दिया, या फिर कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गई, सिक्योरिटी लीक्स हो गई, कोई मूवी में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो सिक्योरिटी की सेंस में
हमारी कंट्री में नहीं दिखाई जानी चाहिए, उस चीज को भी गवर्नमेंट कैन सेंसर। सो सेंसरशिप के आपने मेजर रीजंस भी पढ़ लिए। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। ये लिस्ट के आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए इस लिस्ट को कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेंसरशिप। एक तो है कि आपका थॉट प्रोसेस चैनलाइज करने में हेल्प करता है, दैट इज वन प्रो। वन प्रो इज की एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है आपकी, फेक न्यूज को लिमिट कर सकता है सेंसरशिप, फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होगी अगर सेंसरशिप अच्छे से की होगी तो। देन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी डेवलप करेगा, अनएथिकल हैकिंग को लिमिट कर देगा, क्राइम और टेररिज्म कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रोज ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में तो यू विल राइट कि इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब कि मतलब दोनों साइड्स हैं उसकी, पॉजिटिव है नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इट इज लाइक फायर, फायर। ओके, अब फायर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल फायर इज यूज टू कुक ऑल्सो, फायर से आप खाना भी बना सकते हैं, बट फायर इज यूज टू बर्न ऑल्सो, फायर से आप किसी चीज को जला भी सकते हैं। सो फायर एक चीज बनाने में भी हेल्प कर रही है, एक चीज जलाने में भी हेल्प कर रही है, खत्म करने में भी हेल्प कर रही है। सो फायर के दोनों यूज है। फायर इज हैविंग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज यूजिंग द फायर, कि लोग फायर को किस तरह यूज कर रहे हैं। सो सेम वे सेंसरशिप भी है कि सेंसरशिप पॉजिटिव वे में भी यूज की जा सकती है, नेगेटिव वे में भी यूज की जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग द सेंसरशिप एक्ट। जो सेंसरशिप प्रैक्टिस कर रहा है इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके हाथ में है कि वो प्रोज पे फोकस करे या कॉन्स पे फोकस करे। सो ये आप अपने मेंस में लिख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देकर। इट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? योर पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेंसरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक पॉइंट आ गया सेंसरशिप का। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ सेंसरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल इट नैरोज द अपॉर्चुनिटी टू नो एनीथिंग न्यू। कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी नैरो डाउन हो जाती है अगर सेंसरशिप बहुत ज्यादा हो। सो दैट इज वन कॉन। वन इज माइट इंक्रीज द डिजायर फॉर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही आपको न्यू एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, बीबीसी ने बनाई अभी रिसेंटली। बीबीसी जो न्यूज एजेंसी है यूके की, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई रिलेटेड टू 2002 गुजरात राइट्स। गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसके रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। अब उस डॉक्यूमेंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इंडिया में। अब उससे क्या हुआ कि बैन जब गवर्नमेंट ने किया तो वो न्यूज बन गई, न्यूज में वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, तो लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई कि हम भी देखें इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, इसको बैन क्यों किया गया। सो इट इंक्रीजेस द डिजायर फॉर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट्स। इफ सेंसरशिप इज डन, इट इंक्रीजेस द डिजायर फॉर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट। मतलब सेंसरशिप अगर हो जाए तो लोगों का ज्यादा मन करता है कि लेट अस सी कि वॉट इज इन दिस, कि जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। सो दैट इज वन ऑफ द कॉन, कि मतलब उसका कोई नेगेटिव, उसका उल्टा ज्यादा लोग देखना शुरू हो जाते हैं उससे। सो सेंसरशिप का जो पर्पज है वो डिफीट हो गया। वन इज द प्रोसेस कॉस्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अब सेंसरशिप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हैवी कंट्रोल देखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, मैन पावर लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर सिस्टम्स लेने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है सेंसरशिप में, कंट्रोल करने में। सो दैट इज वन ऑफ द कॉन। वन इज इट प्रिवेंट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर बहुत ही ज्यादा सेंसरशिप हो गई तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो भी एक नेगेटिव आ जाएगा। प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरेस्ट इन किड्स। अब ये है कि बहुत ही एक्सेसिव सेंसरशिप हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है, उसमें बहुत ही ज्यादा सेंसरशिप है। फॉर एग्जाम्पल उनको मूवीज नहीं दिखाई जाती, या फिर उनको डांस नहीं बताया जाता, या सिंगिंग का नहीं बताया जाता। तो अगर उधर बच्चों को ये चीजें बताई नहीं जा रही, वो सेंसरशिप हो रही है उधर, तो बच्चों में डेवलपमेंट ही नहीं होगी, न्यू डेवलपमेंट, न्यू इंटरेस्ट बच्चों में आएंगे नहीं, बिकॉज उनको पता ही नहीं चल पाएगा कोई न्यू चीज का। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बिग कॉन। वन इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटेलेक्ट। मतलब अगर मैं आपको कुछ लिमिटेड चीजें बताऊं, सारी चीजें ना बताऊं, तो आपका इंटेलेक्ट भी लिमिटेड हो जाएगा उसी स्फेयर में, आपका इंटेलेक्ट भी ग्रो नहीं कर पाएगा। So that is one of the con. One is against the spirit of globalization. That is कि अगर जैसे इंडिया है, for example इंडिया है, इंडिया ने बोल दिया कि बाकी सारी कंट्रीज की मूवीज इंडिया में बैन है, सेंसर्ड है, तो इंडिया में अब वो सारी मूवीज नहीं आ सकती, बट वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड कि होल वर्ल्ड इज वन,
तो उसके अगेंस्ट ये चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने ऐसा बोला नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर ऐसा बोल दिया तो ग्लोबलाइजेशन के स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाएगा वो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन। सो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस सी सम लॉज, जो हमारी कंट्री में लॉज हैं, रेगुलेशन हैं इस सेंसरशिप को लेकर। वन इज सीआरपीसी, जो सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सेक्शन 95 उसका, वो अलाउ करता है फोर फीचर ऑफ सर्टन कॉन्टेंट्स एंड पब्लिकेशंस, कि गवर्नमेंट फोरफीट कर सकती है कुछ कॉन्टेंट को, कुछ पब्लिकेशन को। ऑल्सो अगर स्टेट को लगे, स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ एसे और अ राइटिंग और अ पब्लिशिंग, इट इज हार्मफुल टू द स्टेट, तो देन गवर्नमेंट उसको सेंसर कर सकती है, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, एंड नोटिफिकेशन के थ्रू दे कैन सेंसर दैट थिंग। ऑल्सो इसमें मैजिस्ट्रेट की परमिशन एंड वारंट चाहिए होता है रिलेटेड टू ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन। दिस पॉइंट यू शुड रिमेम्बर। ऑल्सो सीबीएफसी, अब ये सब तो आपने सुना ही होगा, जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो उधर सर्टिफिकेशन होती हैं, यूए सर्टिफिकेशन, यू सर्टिफिकेशन, एडल्ट सर्टिफिकेशन, कि ये लोग बच्चे, ये मूवी बच्चे देख सकते हैं कि नहीं, या फिर बड़े देख सकते हैं कि नहीं, कौन से एज ग्रुप के देख सकते हैं, वो कौन देता है? वो देता है सीबीएफसी, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। दे प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस टू फिल्म्स, ओके? सो दे रेगुलेट द कंटेंट ऑफ फिल्म्स दैट आर ब्रॉट इनटू पब्लिक डोमेन। एंड ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारा सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 के अंडर। दिस यू शुड रिमेम्बर, ये कुछ लॉज। एंड अगर मेंस में कोई सेंसरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू शुड राइट दीज लॉज टू टू लाइंस, थ्री थ्री लाइंस में, ओके? वन इज आईटी एक्ट ऑफ 2000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसको तो आपको और ज्यादा डिटेल में करना चाहिए, बट अभी मैं एज अ ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि आईटी एक्ट 2000 में भी सोशल मीडिया के रेगुलेशन के रिलेटेड, इंटरनेट की रेगुलेशन के रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस हैं। एंड ये कुछ मैंने आपको क्लॉजेस बताए हैं, सेक्शन 67A, 67B, 67C एंड 69A, जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं इस सेंसरशिप को लेकर। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि 2021 में दो रूल्स आए थे, वन इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड न्यू आईटी रूल्स, दैट इज इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। दीज रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड इन 2021। इसमें क्या था, जो आपकी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गई, टेलीग्राम हो गई, ट्विटर हो गई, या फिर जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज एमेजॉन, हॉटस्टार, देन नेटफ्लिक्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, या फिर डिजिटल न्यूज को, जो यूट्यूब पे न्यूज चैनल्स हैं उन सबको, या पॉडकास्ट हैं जो आपके, या इवन द मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, वाइबर हो गया, टेलीग्राम हो गया, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स लाए गए थे 2021 में, टू सेंसर द कंटेंट इन दोज एप्स, उसको सेंसर करने के लिए ये सारे रूल्स लाए गए थे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कंटेस्टिंग द हेजमनी ऑफ डॉलर। अब डॉलर के अगेंस्ट ये आर्टिकल है कि डॉलर की, यू नो कि पूरे वर्ल्ड में एक हेजमनी है। हेजमनी इज वॉट? प्रभुत्व। दैट इज डॉलर का पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसको कॉन्टेस्ट कर रही हैं आजकल कंट्रीज कि डॉलर ही क्यों सारी कंट्रीज में एक्सेप्ट हो, बाकी करेंसीज को भी ऊपर आना चाहिए। सो उसके रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्टिकल है, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस वन ऑल्सो, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन इधर पढ़ ही सकते हैं। वन इज कि सबसे पहले यू शुड नो कि वाई यूएस डॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज कि इट इज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, ठीक है? मतलब इस करेंसी को एक रिजर्व के तौर पे यूज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है किसी कंट्री के साथ, यू कैन यूज यूएस डॉलर। अगर आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने हैं, ऑयल की ट्रांजेक्शन करनी है, उसके लिए आप यूएस डॉलर को यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, ओके? बट आजकल क्या हुआ है, आजकल कुछ बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स ने बोलना शुरू किया है कि हम डॉलर को ही नहीं, हम और भी करेंसीज को यूज करेंगे फॉर ट्रांजेक्शन, जैसे कि यूरो हो गई या रेनमिनबी हो गई। तो ऐसी ऐसी कुछ करेंसीज को उन्होंने बोला है कि हम, जैसे जापानीज येन है, जापानीज येन को हम यूज करेंगे, इंडियन रूपी भी अब कुछ मतलब हद तक यूज होने लगा है। सो ये जब लोगों ने बोलना शुरू किया, दूसरे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने बोलना शुरू किया, देन दैट थिंग इज नोन एज डी डॉलराइजेशन, रिड्यूसिंग द डॉलर डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट। मतलब डॉलर की डोमिनेंस को कम करने को वी कॉल इट एज डी डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट। एंड यूएस डॉलर को सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि यूएस डॉलर यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। सो
ट्रेडिंग ऑयल एंड अदर कॉमोडिटीज में, मतलब ऑयल को अगर ट्रेड करना है और भी बहुत सारी कॉमोडिटीज को, इफ यू वांट टू ट्रेड, उसमें यूएस डॉलर यूज हो रहा है. वन इज बाइंग यूएस डॉलर फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स में भी यूएस डॉलर यूज हो रहा है. अगर बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होती हैं उसमें भी वैल्यूज और सारी चीजें डॉलर की फॉर्म में होती हैं. डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, दैट इज जो एसेट्स जिनकी डिनोमिनेशन डॉलर में है, वो भी अगर बाय करने हो या सेल करने हो तो वो डॉलर में होते हैं. सो डॉलर इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल. एंड जब डॉलर इन्फ्लुएंशियल हो गया तो डॉलर कौन सी कंट्री की करेंसी है? डॉलर करेंसी है यूएसए की. दैट मीन्स यूएसए का भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में इन्फ्लुएंस पड़ गया. दैट इज यूएस यूएसए यूएसए का प्रभुत्व भी दूसरी इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा हो गया. सो दैट इज वन थिंग कि दे आर हैविंग डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द अदर इकोनॉमीज. तो ये बहुत गलत हो जाता है पूरा मल्टीलेटरल बैलेंस को रखने के लिए, पूरा मल्टीलेटरल इकोनॉमीज में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यूएस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज्यादा पॉपुलर बन जाता है इसकी वजह से, एंड पावरफुल ऑल्सो. तो एक फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए कि करंटली अबाउट 60% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कंडक्टेड इन यूएस डॉलर्स. मतलब 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड, और 70% जो ग्लोबल ट्रेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज कंडक्टेड इन यूएस डॉलर्स. दिस यू शुड नो. इसीलिए हम यूएस डॉलर्स की थोड़ी डोमिनेंस कम करना चाहते हैं एंड उसको हम डी डॉलराइजेशन बोल रहे हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, प्रिलिम्स में, मेन्स में, इंटरव्यू में, हर जगह आपसे पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. सो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि एक लेमैन को समझ आ जाए कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन की इंटेलिजेंस को हम बोलेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस. ओके, हमें जो इंटेलिजेंस मिलती है वो नेचुरली हम गेन करते हैं. कोई हमें कोई मतलब आर्टिफिशियली नहीं डाला जा रहा. नेचुरली हम थ्रू एक्सपीरियंसेस वी गेन आर इंटेलिजेंस. बट यही इंटेलिजेंस जो हमारे में है, सोचने की क्षमता या कोई चीज करने की, परसीव करने की क्षमता, इमोशनल क्षमता, वो इंटेलिजेंस व्हेन वी गिव दैट टू मशीन्स, मशीन्स को जब ये इंटेलिजेंस दी जाए, दैट इंटेलिजेंस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस. कंप्यूटर्स जब ह्यूमंस की तरह कैलकुलेशन करने लगे, ह्यूमंस की तरह बातें करने लगे रोबोट्स, या ह्यूमंस की तरह इमोशन परसीव करने लगे, या ह्यूमंस की तरह सोचने लगे, बातें करने लगे, उन सब चीजों को वी कॉल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दैट इज इंटेलिजेंस विच इज आर्टिफिशियली जनरेटेड, दैट वी कॉल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सिंपली अगर आपसे कोई पूछे तो ये चीज आप समझा सकते हो. अब फॉर्मली अगर आपने लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि AI refers to ability of machines to perform cognitive task, that is जिसमें आपका माइंड लग रहा है. Cognitive task like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making, that is known as artificial intelligence. The ability of machine to perform all the above tasks, ठीक है. And initially इसको एक human को mimic करने के लिए, human intelligence को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जन्म हुआ था. अब जॉन मैकार्थी करके एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन की थी 1956 में एट डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस एट MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है. उधर जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म कॉइन की थी. ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि AI इज एन अम्ब्रेला टर्म. That is, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, वन इज मशीन लर्निंग एंड वन इज डीप लर्निंग. अब इसके बारे में और विस्तार में जानने के लिए आई थिंक आपको साइंस एंड टेक ज्यादा पढ़नी पड़ेगी एंड थोड़ा डीप उसमें जाना पड़ेगा, देन यू वुड बी एबल टू नो अबाउट AI. इधर मैंने बस बेसिक ओवरव्यू आपको दिया दैट यू अंडरस्टैंड. जिनको नहीं पता, जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशियल स्टेज में है, दे शुड अंडरस्टैंड वॉट AI इज, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इज कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी इंडिया आए हैं 26 जनवरी की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने. एंड उधर काफ़ी कॉन्फ्रेंस होंगी, कन्वेंशंस होगी इंडिया और इजिप्ट के बीच में, बहुत ही बायलेटरल टॉक्स होंगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, वो सब बातें होंगी. एंड उसके बाद काफ़ी कुछ निकल के आएगा.
तो हमें कुछ स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करना है इसमें कि इंडिया और इजिप्ट का रिलेशनशिप कैसा रहा है, दैट यू शुड नो। तो एक तो आप आर्टिकल में पढ़ रहे हैं कि उनके टाइज एलिवेट हो गए हैं एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, तो ये तो आपको पता चल रहा है। अब थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज हैविंग अ वेरी वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन, मिसोपोटामिया सिविलाइजेशन। एंड इंडिया की भी सिविलाइजेशन इज वेरी वेरी एंशियंट, हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। सो इन दोनों के जो एंशियंट टाइम्स में भी रिलेशंस बहुत अच्छे रह चुके हैं, दैट इज दे आर हैविंग सिविलाइजेशनल कनेक्ट ऑल्सो। सो हिस्टोरिकली दे आर हैविंग अ गुड कनेक्ट एंड गुड रिलेशनशिप्स। ओके, एंड पीपल टू पीपल बेस्ड सिविलाइजेशन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज बोथ द कंट्रीज आर एंजॉइंग। अब करंट इजिप्शियन प्रेजिडेंट हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर इंडियाज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इंडिया की 74th रिपब्लिक सेलिब्रेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है इजिप्शियन प्रेजिडेंट को। ऑल्सो ये दोनों कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बहुत बड़े पार्ट रहे थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी? जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर में, तो कुछ कंट्रीज ने बोला था कि हम दोनों कंट्रीज में किसी से भी अलाइन नहीं होंगे, ना हम यूएस के साथ जुड़ेंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जुड़ेंगे। तो उसके बाद एक मूवमेंट डेवलप हुई जिसमें इंडिया वॉज प्लेइंग अ मेजर रोल, दैट वॉज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट इज वी विल नॉट अलाइन टू अ सिंगल पार्टी। एंड इसका इंडिया एंड इजिप्ट बोथ वर द फाउंडिंग मेंबर्स। ओके, एंड ऑल्सो इस साल 2023 में इंडिया और इजिप्ट अपने 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दैट इज इंडिया और इजिप्ट को 75 ईयर्स हो जाएंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हुए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू डिफरेंट स्लाइड, इसमें अब थोड़ा हम इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे इजिप्ट और इंडिया के। फर्स्ट वन इज कि इनकी बायलेटरल ट्रेड है जो टोटल है 7.26 बिलियन डॉलर्स। इतना आपको बस थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए, जो आप अपनी शीट में फैक्ट्स लिखते हैं उसमें यू शुड नोट डाउन कि 7.26 डॉलर्स, अब एग्जैक्ट ना भी लिखें आप बस इतना पता होना चाहिए कि अराउंड 7 बिलियन डॉलर्स यूएस की, इजिप्ट की और इंडिया की बायलेटरल ट्रेड है। ऑल्सो आपको मतलब ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि फेयरली बैलेंस ट्रेड है। दैट इज इजिप्शियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया आर 3.5 बिलियन डॉलर्स एंड इंडिया कितना एक्सपोर्ट करे 3.74 बिलियन डॉलर्स। तो बस मतलब एक टाइप की बैलेंस ट्रेड है, दोनों इक्वल इक्वली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उन दोनों ने, दोनों नेशंस ने अपनी कॉपरेशन एक्सपैंड की है इन द फील्ड ऑफ रिटेल, इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रीज, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सो ये फील्ड अगर आप मैंशन कर दें अपने इकोनॉमिक वाले पोर्शन में आंसर के, तो काफ़ी हेल्प होगी, मतलब काफ़ी इफेक्ट इसका ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्सो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज इंडिया आफ्टर यूएस, इटली एंड सऊदी अरेबिया। तो दिस यू शुड नो। अब थोड़ी हेल्थ सेक्टर में भी इनकी कॉपरेशन है। जब इंडिया में कोविड आउटब्रेक हुआ था, सेकेंड वेव आई थी जब इंडिया में, उस टाइम पे इजिप्ट ने मेडिकल सप्लाई सेंड की थी, डोजेस सेंड की थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की इंडिया में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्सो एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्विस कैनाल इजिप्ट में है, इतना आपको पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल इज इन कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। तो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट स्विस कैनाल के अराउंड इंक्रीज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज इंडिया को अपनी शिपमेंट्स भेजनी होती हैं। तो अगर इंडिया उधर पोर्ट डेवलप करेगा कोई, या कोई कुछ भी, कोई बिल्डिंग्स डेवलप करेगा, कोई फैक्ट्रीज डेवलप करेगा, तो वो इंडिया को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड इंडिया का इन्फ्लुएंस उस रीजन में पड़ेगा। सो इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दैट एरिया, स्विस कैनाल एरिया। एंड स्विस कैनाल आज किसके अंडर आती है? इजिप्ट के। सो दिस यू शुड नो कि इंडिया के लिए जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। एंड इजिप्ट इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश मोर टूरिज्म फॉर इंडिया, मतलब इजिप्ट चाहता है कि इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट आए इजिप्ट में टूर करने एंड ट्रैवल करने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल्सो इनकी कॉपरेशन ज्यादा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाउ? बिकॉज उन्होंने वर्कशॉप एक हेल्ड की थी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आप अगर लिखना चाहें तो ये पोर्शन लिख सकते हैं। वन इज कि इजिप्ट इज 8th कंट्री इन द मिडल ईस्ट रीजन जिसने इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट मतलब साइन की है। इंडिया अब आपको पता है एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर है, तो इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है काफी कंट्री के साथ। तो इजिप्ट इज वन ऑफ द कंट्री जिसने इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन की है।
दिस यू शुड नो, बिकॉज अगर डिफेंस कॉपरेशन में अगर आपको लिखना हो, अभी तक हमने इकोनॉमिक कॉपरेशन देखी, मेडिकल कॉपरेशन देखी, टूरिज्म कॉपरेशन थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन थी, तो ये एक डिफेंस कॉपरेशन है। डिफेंस कॉपरेशन का ये भी एक पार्ट है कि एक्सरसाइज साइक्लोन वन हो रही है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी में एक्सरसाइज साइक्लोन वन हो रही है एंड अभी इट्स करंटली इन प्रोग्रेस। जनवरी 2023 में हो रही है ये, एंड जैसलमेर राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो मैंने ये पहले ही बताया था कि इजिप्ट इज इन चार्ज ऑफ स्विस कैनाल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल लिंक्स मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी एंड द इंडियन ओशन। ऑल्सो अफ्रीका का गेटवे है इजिप्ट, इजिप्ट इज अ गेटवे टू अफ्रीका, एंड काफी कमर्शियल एंड लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स में, कमर्शियली एंड लॉजिस्टिकली इंडिया को काफी हेल्प होगी कि अगर इजिप्ट के साथ इंडिया के बेटर रिलेशंस हो। ऑल्सो इजिप्ट का मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए ऑल्सो इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बोथ द कंट्रीज, एंड ऑल्सो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इजिप्ट के प्रेजिडेंट हमारी कंट्री के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आए हैं। सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसी से आपको पता चलेगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैप में आपके लिए मैंने एक मैप ढूंढा है जिसमें आपको स्विस कैनाल दिख रहा होगा। ये स्विस कैनाल है जो किसको ज्वाइन कर रहा है, रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। अब डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके रिलेटेड कि विच कैनाल ज्वाइंस रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। सो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द स्विस कैनाल एंड दिस इज पोर्ट सेड। पोर्ट सेड क्या है, ये है कायरो कहां पर है, कायरो इधर है। इजिप्ट कहां पर है, इजिप्ट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड सी, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, स्विस कैनाल के एकदम साथ में सिनाई पेनिनसुला है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट अफ्रीका, दिस इज व्हाट इजिप्ट। सो ये आपको कुछ चीजें मैप में, मैप को जब तक आप विजुअली नहीं देखेंगे तब तक ये आपको, मैं जितना भी बताता जाऊं आपको एक माइंड में मैप नहीं डेवलप होगा, आपके पिक्चर नहीं डेवलप होगी, बट यही अगर मैं आपको मैप दिखा दूं तो देन यू विल डेवलप सर्टन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसकी। सो ये है इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, SCO की समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया SCO समिट के लिए। सो SCO है क्या, वॉट इज SCO, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे अभी। SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड कुछ नहीं, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात ये बता दूं कि SCO आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इसके रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो आगे बहुत ज्यादा इनका नाथ है कि ज्यादा क्वेश्चन और भी पूछे जा सके अगर ये न्यूज में ज्यादा देर रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो वॉट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज परमानेंट, एंड ए चार्टर कब साइन हुआ था SCO का, इट वॉज साइन ड्यूरिंग द सेंट पीटरबर्ग समिट, जो SCO के हेड्स ऑफ स्टेट थे उनकी मीटिंग हुई थी जून 2002 में, तब चार्टर साइन हुआ था। एंड चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स कब हुआ था, व्हेन डिड चार्टर एंटर इनटू फोर्स, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 19 सितंबर 2003, 2003 में दिस चार्टर एंटर इनटू फोर्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, रशियन है, चाइनीज है। अब मैंने लैंग्वेजेस आपको पहले बता दी रशियन एंड चाइनीज, इसका मतलब कि दो कंट्रीज तो SCO में परमानेंट होनी होनी चाहिए, दैट इज रशिया एंड चाइना, बिकॉज उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है SCO की। सो रशिया इसमें है, चाइना इसमें है, ऑल्सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ SCO, कजाकिस्तान इज पार्ट ऑफ SCO, चाइना हमने देख लिया, देन किर्ग रिपब्लिक, किर्गिस्तान जिसे हम बोलते हैं, किर्ग रिपब्लिक दैट इज ऑल्सो पार्ट, पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ SCO, रशिया इज अ पार्ट, तजाकिस्तान इज अ पार्ट, एंड उज्बेकिस्तान इज अ पार्ट। तो आपका जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है उसकी काफी ज्यादा प्रिडोमिनेंस है SCO में। तो सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशनशिप में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो SCO को मेंशन किए बिना आप वो क्वेश्चन नहीं लिख सकते। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SCO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिक्योर स्ट्रैटेजी, एक SCO की स्ट्रैटेजी जो डायरेक्टली आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है, दे शुड इंश्योर अ सिक्योर स्ट्रैटेजी, या आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर अ सिक्योर स्ट्रैटेजी। एंड वॉट इज सिक्योर स्ट्रैटेजी, वन विच शुड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, वन शुड इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, we should ensure connecting the region, we should ensure uniting our people, the respect for sovereignty and territorial integrity and environmental protection. So secure strategy honi chahiye India ki. Also one thing is
दो काउंसिल्स हैं, काफी काउंसिल्स हैं वैसे इसकी, बट दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हैं एससीओ की. वन इज हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, वन इज हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल. हेड ऑफ स्टेट काउंसिल एक सुप्रीम काउंसिल है इसकी, जो इंटरनल फंक्शनिंग में इसका मतलब काम करती है, एंड दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन में भी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ही काम करती है. हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल क्या करती है, जो बजट को अप्रूव करती है, इट डिसाइड्स ऑन इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द एससीओ. सो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल का काम है. नाउ कमिंग टू द शंघाई स्पिरिट. शंघाई स्पिरिट क्या है, दे आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एससीओ. अब एससीओ क्या बोलता है कि जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है, इट विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर कॉमन डेवलपमेंट. अब ये सारी चीजें, कोई भी क्वेश्चन आए, ये सारी टर्म्स बहुत ही अच्छी हैं, इनको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं. अब इंडिया की एक्सटर्नल, इंडिया की नहीं सॉरी, एससीओ की एक्सटर्नल पॉलिसी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एससीओ, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री एंड ओपननेस. सो ये सारे फीचर्स, ये सारी चीजें इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी में होनी चाहिए, इंडिया की नहीं सॉरी एससीओ की. हाँ, सो एससीओ कवर्स 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ इन द वर्ल्ड. ओके, अब एससीओ की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, इट इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर एशिया ऑल्सो, एंड इसकी जोग्राफिक सिग्निफिकेंस बहुत है, बिकॉज इट इनेबल्स इंडियाज एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड इट लिमिट्स द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन. तो जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको कम करने के लिए एससीओ की काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वन थिंग इज रैट्स. रैट्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेवलप्ड अंडर द एससीओ. अब रैट्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. ये नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज अ एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर विच इज डेवलप्ड विद इन द स्फेयर ऑफ द एससीओ. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रैट्स, एंड इसका मेन पर्पस क्या है, टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन द रीजन. इन तीन चीजों को टैकल करने के लिए रैट्स बनाया गया है. ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द शंघाई कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म. दिस यू शुड नो, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रिलिम्स में एज अ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. ओके, एंड रैट्स के पास इंफॉर्मेशन किसकी होती है, दे आर हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेररिस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट रैट्स. अब ये एक मैप है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन और रशिया का. सो यूक्रेन एंड रशिया को जो रिप्रेजेंट करता है मैप, दिस इज दिस. एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगहें आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्राइमिया, क्राइमियन पेनिनसुला, यू शुड नो वेयर क्राइमियन पेनिनसुला इज. खार्कीव आपको पता होना चाहिए. देन दिस दिस रीजन दैट इज वॉट सेवास्तोपोल, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है. देन ओडेसा, देन ये सब चीजें, खर्सन कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिनीरपो. डिनीरपो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सॉरी एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको. हाँ, डिनीरपो रिवर जहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर फ्लो करता है, मतलब ये रशियन माउंटेन्स में ओरिजिनेट करता है एंड देन इट फ्लोज थ्रू यूक्रेन. एंड एक और कंट्री है बेलारूस, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेलारूस में भी ये फ्लो करता है डिनीरपो रिवर. आप एक बार चेक करके बताइए, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा अगर बेलारूस नहीं हुआ तो. बेलारूस ही है मोस्ट प्रोबेबली, इट फ्लोज फॉर मतलब इन बेलारूस एंड यूक्रेन, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड एक बार अगर आप मैप देख लें तो विजुअली यू वुड नो कि हाउ रशिया एंड यूक्रेन में जो इशू है वो कैसा है. ये सारे जो एरियाज हैं ये अभी रशियन इन्फ्लुएंस में है, ये तो रशिया ने 2014-13 में ही एनेक्स कर लिया था. एंड ये जो दो एरियाज हैं ये रशिया के अभी फुल कंट्रोल में है, एंड इधर रशियन एडवांसेस काफी काफी ज्यादा हैं. सो ये एक बार मैप अगर आप डिटेल में इसको देखेंगे, आई विल सजेस्ट आप एटलस में भी देखें इसको, बिकॉज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आफ्टर सीइंग द मैप कि व्हाट इन्फ्लुएंस रशिया इज हैविंग ऑन द एरिया ऑफ यूक्रेन. अभी इसका छोटा फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि ये पूरा यूक्रेन है, एंड ये पोर्शन जो है राइट साइड ऑफ यूक्रेन दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रशिया, एंड इधर आजकल रशिया आया हुआ है पूरी तरह से. सो दिस यू शुड नो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ द डे. सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ द डे. डिनीरपो रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, हमने अभी अभी कवर किया है. सो विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड आप बस इसका आंसर कीजिए. इट फ्लोज थ्रू मेडागास्कर,
इंडोनेशिया, यूरुगे या यूक्रेन? करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड राइट आंसर ऑल्सो यू विल गेट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, एंड आप आई विल एडवाइज यू टू वॉच दिस लेक्चर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, तब आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर को लेकर एंड कुछ स्टैटिक पोर्शन एंड करंट पोर्शन को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आई वुड एडवाइज यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक द लेक्चर ऑल्सो, एंड ऑल्सो वॉच इट रेगुलरली सो दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, प्रिपेयर वेरी वेल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।